नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। आदिवासी वोट बैंक की सियासत, कमलनाथ ने 24 को भोपाल में एसटी विधायकों की बैठक बुलाई, शिवराज 22 को मंडला में करेंगे सम्मेलन। मंत्री सिलावट ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, एमवाईएच में लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का किया आग्रह। मध्य प्रदेश में कोरोना के सभी प्रतिबंध हटे, शादी में मेहमानों की लिमिट खत्म, 100% क्षमता से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, नाइट कर्फ्यू भी आज रात से हटा। देश के सबसे बड़े ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कटनी में, पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा कराया जा रहा निर्माण, 1247 करोड़ की योजना दिसंबर 2023 तक होगी पूरी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना टूरिस्ट स्पॉट, बिग एयर कॉन्कोर्स एस्केलेटर ट्रेवलेटर की फैसिलिटी ने लुभाया, लोग बोले फॉरेन जैसा फील। दूसरे डोज का वैक्सीनेशन अभियान, इंदौर में अब 13 दिनों में 8.50 लाख डोज लगाने का टारगेट, अभी हर दिन औसतन 42,000 लग रहे डोज। डेंगू का बड़ा खौफ, 24 घंटे में 76 डेंगू पॉजिटिव केस, ग्वालियर में 60 बच्चों समेत 71 नए मरीज मिले, भिंड मुरैना शिवपुरी से भी आ रहे पॉजिटिव मरीज। मध्य प्रदेश के हनुवंतिया में छठवा जल महोत्सव, 20 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे औपचारिक शुभारंभ, वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर पर्यटकों को मिलेगी एंट्री। कांग्रेस एमएलए अजब सिंह पर 11 महीने में चौथी बार एफआईआर, 34 लाख रुपए में बेची 6,000 वर्ग फीट जमीन, कोर्ट विवाद बताकर कब्जा नहीं दिया। मध्य प्रदेश में रात का पारा सामान्य से 6 डिग्री ऊपर गया, इंदौर समेत 11 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना, भोपाल में रहेंगे बादल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।